अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर में जिस तरह 6 मई को प्रशासन ने यह आदेश दिया था कि 8 मई से 15 मई तक कड़क लॉकडाउन रहेगा, उसी के चलते आज सोलापुर शहर के मुस्लिम समुदाय ने निवेदन भवन में पालक मंत्री दत्ता मां भरने को निवेदन दिया था, जिसमें सोलापुर शहर में कड़क लॉकडाउन न लगाने की मांग की गई थी। उस निवेदन को देखकर दत्ता मामा भरने पालक मंत्री ने सोलापुर शहर में ईद के 2 दिन पहले कड़क लॉकडाउन में छूट देने की बात की। पालक मंत्री को निवेदन देते वक्त सोलापुर शहर के मुस्लिम समुदाय के शहर काजी मुफ्ती अमजद अली निज़ामी, राफे काजी, मौलाना इब्राहिम कासमी, मौलाना ताहिर बेग, माजी महापौर आरिफ भाई शेख, नगर सेवक तौफीक भाई पहलवान, महेश अन्ना कोटे, संतोष पवार, शकील भाई मौलवी, दीगर मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए सोलापुरनामा 24 की एक रिपोर्ट। देखिए हम लोग यहाँ पर आए थे पालक मंत्री साहब को मिलने और उनसे मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आश्वासन दिया और यकीन दिलाया कि ईद से 2 दिन पहले 2 दिन की छूट मिलेगी, जिसपे सब लोग अपने ईद का सामान खरीद सकेंगे। तो हम शुक्रगुजार है पालक मंत्री के भी, दूध के बारे में पूरी छूट दी, दूध खरीदी कंटिन्यू है। और जो है पालक मंत्री के शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया है कि दूध का जो है वो पाबंदी नहीं रहेगी, डेली दूध मिलेगा। दूध को दूध जो है ना कभी भी बंद नहीं होगा, ईद तक सबको दूध मिलेगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पालक मंत्री का और इसी तरीके से पुलिस कमिश्नर का और इसी तरीके से महानगर पालिका के कमिश्नर का और कलेक्टर साहब का कि उन्होंने हमारी बात को कबूल किया। उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे ही जो है मदद करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।